जोधपुर में आजादी के 70 साल बाद भी कई गांव में विकास जीरो है, जहां कई गांव ऐसे हैं जहां नदी पर पुल नहीं बना है, जिसके चलते आए दिन ग्रामीणों को परेशानी होती है। वहीं लकड़ी का पुल बनाकर लोग उससे आना जाना करते हैं, लेकिन बारिश में वो भी बह जाता है और लोग कई दिनों तक घरों में फंस जाते हैं। ग्रामीणों ने पुल निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की है, जिसे लेकर विकास खंड के सीओ ने कहा है कि बड़े पुल के निर्माण की जानकारी जिले के अधिकारियों को दी जाएगी। यहाँ पे 4-5 साल पहले पास हो गया था, पता नहीं क्या कारण से फिर बंद हो गया। अच्छा, और हम गांव वासियों को इतना परेशानी हो जा रहा है कि हम लोग राशन तक ला नहीं पा रहे हैं। राशन तो दूर की बात है, मरीजों को भी पार कर नहीं पाते हैं, इसीलिए हम लोग हर साल यही पुलिया बनाते हैं लकड़ी का। समस्या यह है कि यहाँ से कोई भी मरीज को हॉस्पिटल ले जाने में बहुत तकलीफ होता है, उसके कारण मरीज को ले जा नहीं सकते हैं। और टेंडर हुआ था बनने के लिए, वो भी कैंसिल हो गया, उसको भी नदी उठा पटा के ले गया। मेरी जानकारी में है कि इस बजट में विधायक महोदय के द्वारा उसको शामिल करा दिया गया है। अभी बरसात के बाद उसमें शायद उसका टेंडर भी हो जाए। विशेष जानकारी मैं विधायक महोदय से चर्चा उपरांत ही बता पाऊँगा, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी मिली है ये मैं कलेक्टर महोदय के संज्ञान में ला दूँगा। चित्रकूट